नमस्कार साथियों, नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की जानकारी मध्य प्रदेश की जो बहना योजना चल रही है उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। फॉर्म रिजेक्ट का रिजेक्ट हो रहा है, क्यों हो रहा है और क्या क्या कमी है, तो मध्य प्रदेश लाडली बहना योजना फॉर्म रिजेक्ट होने का पर आपको क्या करना है, बाद में आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाए तो क्या करोगे, ये अभी हम आपको बताने वाले हैं। तो आप इस प्रकार से काम करोगे और फॉर्म करो भरवाओगे तो आपका रिजेक्ट नहीं हुआ, यदि फिर भी भरवा दिया रिजेक्ट होता है तो भी आपको क्या करना, वो भी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। अभी फॉर्म भरे हो रहे हैं, रिजेक्ट सिलेक्ट का दिक्कत आएगी, इसलिए आप अभी ये जानकारी जान लो कि आपकी कोई कमी हो तो उसको पूरा कर लो समय रहते। तो ए टू जेड जानकारी हम आपको देने वाले हैं, तो आप देखें और इस पर अपने विचार लें। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने महिलाओं को बढ़ावा देने, सशक्त बनाने और महिलाओं को सम्मान देने के लिए लाडली बहना योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत सभी 23 वर्ष से अधिक और 60 वर्ष से कम उम्र की महिलाओं को सम्मानित किया जाएगा और सम्मान में उन्हें प्रतिमा 1000 रुपये की सहायता राशि दी जाएगी। इस तरह से सभी पात्र महिलाओं को एक साल में 12000 रुपये दिए जाएंगे। यह योजना अगले 5 वर्ष तक के लिए लागू की गई है। लाडली बहना योजना की आवेदन प्रक्रिया बहुत ही सरल है, इसके बाद भी बहुत अधिक मात्रा में फॉर्म रिजेक्ट हो रहे हैं। फॉर्म रिजेक्ट होने का सबसे बड़ा कारण बैंक में DBT एक्टिवेट ना होना। बहुत अधिक मात्रा में महिलाओं के फॉर्म सिर्फ बैंक में DBT एक्टिवेट ना होने की वजह से रिजेक्ट हो रहे हैं। लेकिन आप चिंता न करें, आज हम आपको बैंक में DBT एक्टिव कैसे करना है, आधार लिंक कैसे करना है और समग्र EKYC से लेकर लाडली बहना योजना फॉर्म में आने वाली सभी समस्याओं को विस्तार से बताएंगे और किस तरह आप बहुत आसानी से लाडली बहना योजना का फॉर्म भरेंगे। पूरी प्रक्रिया हम आपको बहुत ही आसान और मज़ेदार तरीके से बताने वाले हैं, जिससे आज आपका फॉर्म सफलतापूर्वक सबमिट हो जाएगा। सबसे पहले बात करें तो लाडली बहना योजना आवश्यक दस्तावेज। सबसे पहले हम जान लेते हैं लाडली बहना योजना के लिए आपको किन किन दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी, जिससे आपका फॉर्म आसानी से भरा जा सके। लाडली बहना योजना के लिए आवश्यक दस्तावेजों में आपको आधार कार्ड, समग्र ID और बैंक पासबुक के साथ एक मोबाइल नंबर की जरूरत होगी, जो आपको तुरंत रखना भी होगा। लाडली बहना योजना में आपको किसी अन्य दस्तावेज की जरूरत नहीं है, जैसे पैन कार्ड, राशन कार्ड आदि प्रमाण पत्र। इस तरह की कोई भी दस्तावेज आपके लिए लाडली बहना योजना फॉर्म भरने में आपको नहीं लगने वाला है। लाडली बहना योजना फॉर्म रिजेक्ट होने के मुख्य कारण जान लेते हैं। लाडली बहना योजना में आपका फॉर्म रिजेक्ट होना एक मुख्य कारण यह है कि आप अगर मध्य प्रदेश के निवासी नहीं हैं तो आपको इस योजना का लाभ नहीं मिल सकता। अगर आपका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ है और आपकी शादी किसी अन्य राज्य में हुई है और आपका ID से नाम कट गया है और आधार कार्ड भी आपका अपडेट हो गया है, तो इस स्थिति में आप मध्य प्रदेश के इस लाडली बहना योजना का लाभ नहीं ले सकते। अगर इस स्थिति में आप फॉर्म भरते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। लाडली बहना योजना में फॉर्म रिजेक्ट होने का दूसरा सबसे बड़ा कारण आपके दस्तावेजों में गड़बड़ी पाई जाना है। अगर आपके दस्तावेजों में किसी तरह की गड़बड़ी पाई जाती है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। जैसे आपके आधार कार्ड का नाम आपके समग्र पोर्टल के नाम से साथ मेल नहीं खाता, यानी अलग अलग है, तो इसी भी स्थिति में आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। अगर आपके दस्तावेजों में किसी तरह के नाम या उपनाम या फिर पते के साथ कुछ गड़बड़ी आपको नज़र आती है तो आप अपना समग्र ID को जरूर अपडेट कराएं, साथ ही अपने आधार कार्ड में मोबाइल नंबर को लिंक जरूर करें। लाडली बहना योजना में फॉर्म रिजेक्ट होने का तीसरा सबसे बड़ा कारण है EKYC नहीं करना। लाडली बहना योजना में बहुत से फॉर्म रिजेक्ट होने का कारण यही है कि आपके आधार कार्ड, समग्र ID और बैंक में EKYC नहीं हुई है और आप बिना EKYC के फॉर्म सबमिट कर रहे हैं, लेकिन इस स्थिति में आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। EKYC की समस्या से बचने के लिए आपको अपने आधार से समग्र ID लिंक करना होगा और EKYC करनी होगी। अगर आपके समग्र के साथ मोबाइल नंबर और आधार कार्ड लिंक हो जाता है, यानी आप EKYC कर लेते हैं, तो आपका लाडली बहना योजना फॉर्म आसानी से भरा जा सकता है। लाडली बहना योजना में अब तक सबसे ज़्यादा फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं तो वह एकमात्र कारण है बैंक में DBT एक्टिवेट न होना। अगर आपके बैंक में आपके अकाउंट के लिए DBT एक्टिवेट नहीं है तो आपका लाडली बहना योजना फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। लाडली बहना योजना में बैंक DBT की समस्या से बचने के लिए आपको अपने बैंक ब्रांच में जाकर अपने बैंक अकाउंट के लिए DBT एक्टिवेट करनी होगी। यह बहुत ही आसान और सरल प्रक्रिया है। लाडली बहना योजना के बैंक DBT एक्टिवेट करने के लिए बैंक जाएं, इसके बाद DBT फॉर्म भरें। अब इसके बाद फॉर्म को बैंक के बैंक अधिकारी के पास जमा कर दें। अगर आपने अपने बैंक ब्रांच में जाकर DBT एक्टिवेट करा लिया है तो आपको किसी भी तरह की समस्या लाडली बहना योजना में बैंक DBT से संबंधित नहीं होगी और आपका फॉर्म आसानी से सबमिट हो जाएगा। लाडली बहना योजना फॉर्म रिजेक्ट होने पर क्या करें, चलिए आपको बताते हैं। लाडली बहना योजना फॉर्म सबमिट करने से पहले आपको आवश्यक दस्तावेज एकत्र करना है। आवश्यक दस्तावेज के साथ आपको आधार अपडेट कराना है और फिर समग्र EKYC भी कराना है। इसके बाद बैंक DBT एक्टिव कराएं। अब यह सब प्रक्रिया के बाद आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। अगर आपने अपने आवश्यक दस्तावेज तीनों एकत्र किए
ई KYC भी किया, बैंक DBT एक्टिव भी करा लिए, इसके बाद भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, तो आपको अपने फॉर्म भरने वाले अधिकारी से बात करके फॉर्म रिजेक्ट होने का सही कारण जाने और फिर उस समस्या का को सुलझाएं। अगर आपने बैंक DBT एक्टिव करा लिया है और आपको लाडली बहना योजना के अधिकारी बैंक DBT एक्टिव करने के लिए बोलते हैं, तो आप उन्हें फॉर्म भरने के लिए बोलें, क्योंकि आपके पास लाडली बहना योजना फॉर्म भरने के 6 दिन के बाद तक का समय रहता है कि आप बैंक DBT एक्टिव करा सकते हैं। कभी कभी बैंक DBT एक्टिव होने में बैंक अधिक से ज़्यादा समय भी ले लेता है, और इस 6 दिनों में की समय अवधि में आप अपने बैंक ब्रांच से संपर्क करके बैंक DBT आसानी से एक्टिव करा सकते हैं। तो दोस्तों, ये कंप्लीट करेंगे, आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा और आपको जो है लाभ मिल जाएगा। लेकिन कुछ घोषणाएं भी हैं, घोषणा का भी आपको ध्यान रखना है। यदि घोषणा आपने सही की है तो आपको लाभ आगे मिलेगा। तो दोस्तों, हमने आपको यहाँ सारी जानकारी दे दी है कि फॉर्म आपका रिजेक्ट किस कारण से होगा, और ये फॉर्म रिजेक्ट ना हो तो उसके लिए क्या करना है, ये सारी जानकारी आपको बता दी। फिर भी आपको कन्फ्यूज रहता, कोई दिक्कत आती है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। उसको लाइक करें, शेयर करें, अपने विचार लिखें, हमसे जुड़ें, सब्सक्राइब और बेल के आइकन को प्रेस करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।